नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। आर्मी में भर्ती का संस्मरण पूज्य रबू दादा का आपने सुना है और वो मैंने आपको कथा के रूप में सुनाया है, लेकिन आज परम सौभाग्य है कि पूज्य रबू दादा मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं और फिर क्यों ना हम आपके ही मुखारविंद से वो संस्मरण सुने, आपको अच्छा लगेगा। तो दादा बताएं, आर्मी में जाने का क्या संस्मरण है? पहली बात तो आप मुझे पूज्य अगली बार से नहीं कहेंगे, आप मुझे या तो श्री रबूदा कह लीजिएगा या हमारे रबूदा कह लीजिएगा। जी जी, आई रिफ्यूज टू बी। जी 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 जी, ठीक है जी। हुआ क्या कि मैं एक कंपनी थी उषा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जी उसमें काम करता था और मैं जो मेरा स्वभाव था उसके हिसाब से मैं संतुष्ट नहीं था। जी तो उस समय जब जी भारत और चाइना का युद्ध हुआ, जी उस समय मैं एक गवर्नमेंट ने इमरजेंसी कमीशन खोला, जी और मैंने अप्लाई किया और मैं इम्तहान भी दिया और सेलेक्ट भी हो गया। जी तो उन्होंने खाली एक चीज़ कही थी कि मेरी नाक की जो हड्डी है जी वो थोड़ी सी टेढ़ी है। मुझे तो आज भी सीधी दिख रही है और बहुत अच्छी दिख रही है। उसके बाद से उन्होंने ऑपरेशन किया, उसको कहते हैं SMR, सब म्यूकस रिसेक्शन, काट देते हैं बोन को। जी तो ये ऑपरेशन कहाँ हुआ था दादा? पहले तो मैं आपको ये कनेक्ट तो कर ले दीजिए। जी 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 जी। तो फिर जब उन्होंने आर्मी से मुझे जो सर्टिफिकेट मिला कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको ये ऑपरेशन करके और इतने हफ्ते के अंदर आपको बताना पड़ेगा, तो मेरे एक मौसा जी थे, उन्होंने जी एक आर्मी के जो टॉप सर्जन थे जी ब्रिगेड कर्नल दरियाव सिंह जी ENT स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो अगर वो कर लेता तो कोई मौका नहीं था कि मुझे आर्मी में सिलेक्शन ना होता मेरा। जी और महाराज ने मुझसे ये भी मेरे पिताजी से कह दिया जनरल बनेगा, जनरल बनेगा, मैं तो ऐड के चल रहा था जनरल की तरह। जी तो मेरी माँ जो थी वो मैं सबसे बड़ा बेटा था तो वो खुश नहीं थी कि कहाँ जा रहा है लड़का, आर्मी में नहीं जाना था, तो किट-किट किए रहती थी वो। दादा क्या कहा, माँ ने क्या कहा? महाराज जी मेरा बेटा इसको मत जाने दो, ये नहीं जाए तो अच्छा है, अपनी इच्छा जाहिर करिए, भगवान के आगे सभी इच्छा जाहिर करते हैं। जी जी तो फिर मैं जमशेदपुर से मैंने अपना तय किया, मेरे एक मौसा थे उनके दोस्त थे ये कर्नल दरियाव सिंह, तो राजी भी हो गए। जी हालांकि फौजी तो नहीं करता है लेकिन राजी हो गए, बोले इसको ले आना, मैं कर दूंगा उसका ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन हो जाता तो आर्मी तो मना करती नहीं अपने हेड के लिए, ENT का हेड था वो। बिल्कुल ठीक। तो मैं वहाँ से इलाहाबाद आया, इलाहाबाद में आके मैंने कर्नल दरियाव सिंह के लिए और मौसा के लिए दो टोकरे खुसरो बाग से अमरूद खरीदवाए, अमरूद लिए। उसने मैं जब मैं चलने जब जाने लगा, शाम की गाड़ी थी मेरी दिल्ली एक्सप्रेस जी, तो महाराज आए हुए थे, मैं रुक गया दर्शन करने के लिए। जी दर्शन करने के रुक गया तो मैंने प्रणाम किया और बाहर रिक्शा खड़ा उसके साथ अमरूदों के साथ में सामान के साथ। जी तो महाराज बोले आज मत जाओ। अच्छा। और मैं भी मोहित हो गया, फंस गया उनके चक्कर में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे वो सब कुछ हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने यार गुरु का वाक्य, तो गुरु का वाक्य मैंने सारे अमरूद की टोकरियाँ उठा के बाहर रखवा ली। हाँ। और महाराज ने मौका नहीं दिया, तुरंत बैठ के हाँ। सब भक्तों से बोले चलो गंगा जी। हाँ। और ये कहा अमरूद ले चलो साथ में रख लिए, जाके जाके नदी में बैठ गए महाराज स्वयं जी, और अमरूद को खोल के लो गंगा जी तुम खाओ, लो जमुना जी तुम खाओ, संगम में जी अमरूद खिला दिए, लोगों को बांट दिए जी, कष्ट जो नाविक होते हैं जो जी नाव चलाने वाले उनको बांट दिए जी, अमरूद का दिया बाँचा खत्म। फिर वहाँ से लौट के हम आए जी, मैंने सोचा क्या करूँ, कुछ और खरीद लूँ जो भी है व्हाटएवर। तो एक शुक्ला जी थे महाराज के भक्त जी, शुक्ला फ्रेमर्स के नाम से उनकी हजरतगंज में दुकान थी, वो भी थी महाराज के साथ। तो शाम को मुझसे बोले देख, क्या नाम था शुक्ला जी का? पूरा नाम उमाशंकर, उमाशंकर शुक्ला, जो आत्महत्या के लिए एक बार पुल पर कूदने। जी 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 जी। अब वो शुक्ला जी जो है उन्होंने कहा रब्बू महाराज के एक भक्त हैं, बड़े भारी सर्जन है, लखनऊ के हेड हैं, उनका नाम है आर्यन मिश्रा, ENT के हेड है, उनसे करा ले, वो तो पक्का तेरा ठीक कर देंगे। अब मैं भी मुझको मून दिया, मुझे ले गए जी।
वहाँ ऑपरेशन कराया तो मेरे नाक में दो डंडे ठूस दिए, मुंह से सांस ली, मारे गले में छाले पड़ गए जी। तो जब 21वें दिन डंडे खुले तो सर्जन मिश्रा ने मुझे बुलाए, बोले तुम्हारे नाक में छेद हो गया। अब वो फौज जो है उसमें ये जो है तुमको एक्सट्रीम वेदर में ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से हो सकता है जी। तो तुम बहुत सक्सेसफुल तो नहीं कहेंगे हम इसको ऑपरेशन को। अब मैं तो सारी मेरी जनरली निकल गई क्या ताड़ से गिरे खजूर मट के जी। तो मैंने रात की गाड़ी पकड़ी उसी दिन जी डिस्चार्ज होकर, और सुबह 6:30 बजे आके घर पहुंचा मैं। एक पैसेंजर ट्रेन आती थी वहाँ से जी। माँ से मेरा झगड़ा चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया। मैंने कहा तेरी वजह से हुआ, तू नहीं चाहती थी महाराज के महाराज से कहा होगा, तूने नहीं चाहती थी मैं फौज में जाऊँ, फौज में जाऊँ, नहीं अब कर लेगा, मेरी जिंदगी खराब हो गई। जो भी रेंटिंग कहते हैं उसको, जो रेंटिंग करी हमने। इतने में तो माता जी का बड़ा लड़का दिनेश हुआ आ गया जी, और बोला कि महाराज तुमको बुला रहे हैं जी। करीब 7:30 बजे थे जी। तो मेरी माँ बोली कि ले महाराज आ गए चल। अब वो भी रिलीव हो गए। खैर वहाँ पहुँचा तो महाराज सुधीर मुखर्जी जी के घर 4 चर्च लेन बरंडे बैठे थे। मुखर्जी दादा जी बरंडे बैठे थे जी, और वो कुर्सी में अकेले बैठे थे। अच्छा। तो मैं जहाँ पहुँचा वहाँ पर प्रणाम किया मैंने, तो नाक खराब हो गई, ऑपरेशन खराब हो गया। गाई तो जाने नहीं दिया। अच्छा, मेरे मन में कहीं ये नहीं था कि ये महाराज ने अगर ऐसा किया है तो वो ऐसे ही हो गया उनका। खैर उन्होंने महाराज ने मेरी नाक ऐसे पकड़ी, बोले जा ठीक हो जा, 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 कह दिया। नाक ठीक हो गई? नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ, नाक तो ठीक हो गई, अभी ठीक है। उसके बाद महाराज ने कहा मुझे कंबल पहना। अच्छा। तो मेरे पास पैसे 50 रुपये थे शायद, अब मैंने चाची से अपने और लिए। अब मुझे उसका दाम याद है, 84 रुपये का। अरे, ओसवाल का कंबल खरीद के। अरे वाह। हल्का लाल साइड और ब्लू और ग्रीन के साथ वो था, बहुत खूबसूरत कंबल था जी। तो महाराज ने उसको 4-5 दिन पहना जी, और ठुमके हर जगह जी। तो महाराज, माई कहती थी महाराज नील कमल दिखाई दे रहे हैं, नील कमल दिखाई दे रहे हैं। वो उसके बाद महाराज ने चौथे या 5वें दिन शाम को ऐसे उतार के यूं फेंका, बोला जा तेरे बगल से गोलियां निकल जाएंगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे वाह, हम तो और खुश हो गए। पक्का हो गया कि अब जो है आर्मी में जाना ही जाना है। महाराज ने ये कहा कि जा तेरा हो गया। खैर चलो, बात आई गई हो गई, हमने कंबल को लिया, बड़े खुश हो गए, घर आ गए जी। मैंने कहा अगले दिन जब गए थे, मैंने कहा महाराज मैं रिजाइन कर दूं? महाराज बोले नहीं अभी मत करो, पहले लेटर चिट्ठी आने दो। मैं जब जमशेदपुर पहुंचा तो मैं तो आधा ऐठा हुआ सिपाही था, चल के चल रहा था दोस्तों के साथ। और मैंने वो भारत जो आर्मी के वर्ड होते हैं ब्लडी एंड चैप एंड ये, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा बॉस बोला कि देख जोशी, तू अभी अगर छोड़ेगा तो फिर मुझे छुट्टी कैंसिल हो जाएगी, मुझे जाने दे, और जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा जी तो मैं तुझे इमीडिएटली रिलीज कर दूंगा, पूरा चार्ज मैं ले लूँगा जी। तो मैं अपने बैठ गया कुर्सी में बीच में अपने। खैर जो भी फौजी बिहेवियर होता है वो हमने सीखा जी जी, किससे बनाए अपने, ऐसे कैसे सेलेक्ट हुआ मैं। यह 15वें दिन एक लिफाफा आया ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, उसको खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि आपकी नाक का जो है उसमें ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन तो ठीक है लेकिन आपके नाक में होल है और उसको आपको टेम्पोरिली क्या आप रिजेक्ट करते किए जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो दोबारा अपील कर सकते हैं जी। तो मेरी तो सारी फौजी निकल गई। उस दिन रात को मैं अपने दोस्तों के साथ गया, मैंने खूब शराब पी और शराब पी के लड़खड़ाता हुआ आया मैं, और कमरा खोला और जाके सो गया। सुबह 4 बजे मुझे स्वप्न आया कि महाराज की सफेद दाढ़ी हो गई है और मुझसे कह रहे हैं कि मेरी शक्ति अब खत्म हो गई है, मैं तेरी मदद नहीं कर सका। मेरा तो सारा नशा काफूर सारा उठ के देखा 4 बजे थे। मैंने उसी समय अपने चाचा को चिट्ठी लिखी। मेरे चाचा मेरे दोस्त थे मुकंदा दादा, जिन्होंने अनंत कथामृत लिखी। तो वो मैंने लिखी का ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया, मेरा रिएक्शन हो गया है और मैं बहुत अंदर से परेशान हूँ, और महाराज से कहना वो स्वप्न आया मुझे ऐसा ऐसा, महाराज कह रहे हैं वृद्ध हो गया हूँ, अगर वहाँ हो तो उनसे कह देना कि नहीं जाने देना, ऐसे ही मना कर देते, इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया भाई। तो वो बोले कि चाचा जब चिट्ठी पहुंची तो महाराज इत्तेफाक से वही थे जी। सुबह से शाम तक महाराज ने
यही कहा है, एक लड़का जो है क्या क्या लिखा है रब्बू ने हमारे बेटे ने, अच्छा से पढ़ेगा फिर हंसे वो। अच्छा तो मतलब इधर आग में घी लगाने का काम खैर वो बात आई गई होगी। तो मैं फिर चार पांच साल मुझे जाने का मौका नहीं पड़ा क्योंकि काम में लगा रहा वो लगा रहा, तो लोगों से मैं रब्बू नाराज है। हालांकि क्या विराट से कौन नाराज, किसकी ताकत है भाई विराट से नाराज। बिल्कुल। तो आपको फौज में जाने की कहानी एक ऐसा संस्मरण जो हर युवा के स्वप्न में होता है, हमारे रब्बू दादा ने आपको सुनाया, वास्तव में अच्छा लगा। फिर ये बताया गया या लोगों ने समझा कि आप मिल नहीं पाए किन्हीं कारणों से और आप नाराज हो गए, तो नाराजगी हुई या नहीं हुई मैं आपको ये बात अगले अंक में बताऊंगा कि महाराज जी से दूसरी भेंट रब्बू दादा की कैसी हुई और किस तरह से हुई। तो आर्मी में आप भी अपना सपना देख सकते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए किस्मत, कर्म और महाराज जी की इच्छा, इन तीनों का सम्मेलन होगा तो फिर परिणाम जो होगा वो सुखद ही होगा। ये अंक आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, तो फिर देर किस बात की है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा कि रब्बू दादा की दोबारा मुलाकात कैसे हुई, आर्मी में सपना जब टूट गया, जब वो आर्मी में नहीं जा पाए, तो फिर अगले अंक का इंतजार कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।